नमस्कार, स्क्रिप्ट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की है, जहां तहसील औराई अंतर्गत नगर पंचायत घोसिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ईसिल डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया, जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने की है। साथ ही इसकी जानकारी डॉक्टर दिलशाद आलम और उनके उपस्थित चिकित्सकीय स्टाफ को लिखित रूप से दी गई है। दरअसल जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सिर्फ फर्जी चिकित्सा संस्थानों बल्कि फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी लगातार कार्रवाई के लिए निर्देश दे रहे हैं। इस क्रम में डीएम खुद भी जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में जांच कर फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर को बंद करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को लगातार दे रहे हैं, जिसे फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों और फर्जी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के आदेश के क्रम में ये कार्यवाही PCPNDT अधिनियम 1994 के तहत की गई है। घोसिया में आलम हॉस्पिटल पे विगत में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस हॉस्पिटल की जांच की गई थी, जिसमें PCPNDT एक्ट के अंतर्गत जो अल्ट्रासाउंड की कार्रवाई चल रही है उसमें कमियां पाई गई थी। निर्धारित फार्म और प्रोफार्मा जो है उसमें कमियां पाई गई थी, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से रिपोर्ट बना करके CMO साहब को जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया था, जिसका संज्ञान लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा वहाँ पे जो संचालित है ईसल डायग्नोस्टिक सेंटर अल्ट्रासाउंड सेंटर उसको सीज करने के लिए लिखित रूप में आदेश निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन पर्याप्त पुलिस बल लेकर के मेडिकल स्टाफ साथ में चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई थाना औराई का पुलिस बल राजस्व कर्मी और मैं स्वयं जा कर के वहाँ पर सीज की कार्रवाई कराई गई है और इसकी लिखित रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को CMO साहब को भेजी गई है। ऊपर से जो निर्देश होगा उसका अनुपालन पुनः सुनिश्चित किया जाएगा। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।